आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि कुख्यात अपराधी बंदूक की नोक पर अपने इलाके में लोगों के बीच खौफ का व्यापार करता है और लोगों के सामने वह लोगों को मौत के घाट उतार देता है। यही नहीं, वहां मौजूद लोग उसके खिलाफ गवाही देने की भी हिमाकत नहीं करते हैं और जो हिम्मत करके गवाही देने के लिए आगे आता है उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। कुछ ऐसे ही फिल्मी कहानी थी मुख्तार अंसारी की और हत्या, फिरौती, गुंडा, टैक्स, अपहरण सहित तमाम ऐसे काले धंधे करता था जिसकी कानून इजाज़त नहीं देता था। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं खतरनाक तरीके से काम करने वाले गैंगस्टर मुख्तार अंसारी, जो एक भारतीय माफिया डॉन और उत्तर प्रदेश के राजनेता थे। अंसारी मऊ निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य के रूप में रिकॉर्ड 5 बार विधायक चुने गए हैं। वह अन्य अपराधों सहित कृष्णवंद राय हत्या के मामले में मुख्य आरोपी था, लेकिन अंसारी को दोषी नहीं ठहराया गया। अंसारी ने बहुजन समाजवादी पार्टी के एक उम्मीदवार के रूप में अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता और 2007 में उम्मीदवार घोषित हुए। वहीं 2009 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ा लेकिन असफलता मिली, जिसके बाद बसपा ने 2010 में उन्हें आपराधिक गतिविधियों के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया। बाद में अंसारी ने अपने भाइयों के साथ अपनी पार्टी कौमी एकता दल का गठन किया। वह उत्तर प्रदेश के मऊ विधानसभा सीट से 2012 में विधायक चुने गए। वहीं 2017 में बसपा के साथ कौमी एकता दल को विलय कर दिया और बसपा उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव में 5वीं बार विधायक के रूप में जीते। ये वो दौर था जब मुख्तार अंसारी का गैंग निकलता था तो लाइन से 19-20 SUV गुजरती थी। सारी गाड़ियों के नंबर 786 से ख़त्म होते थे। किसी की क्या मजाल कि पूरे शहर का भारी ट्रैफिक उन्हें 2 मिनट भी रोक सके। इन इलाकों में पान चाय की दुकान पर बैठे लोग बताते हैं कि मुख्तार अंसारी जब चलता था तो बॉडीगार्ड समेत अपने पूरे गैंग में सबसे लंबा दिख जाता था। आइए अब बताते हैं मुख्तार अंसारी की फैमिली हिस्ट्री के बारे में। इनके दादा कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। मुख्तार अहमद अंसारी के भाई अफजल 4 बार कम्युनिटी पार्टी से MLA रह चुके हैं और 1 बार समाजवादी पार्टी से। अंसारी का कहना है कि इनके अब्बा और दादा फ्रीडम फाइटर थे, साथ ही चाचा और दादा नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के भी काफ़ी करीब थे। चाचा हामिद अंसारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के VC भी रह चुके थे। वहीं अब योगी सरकार ने माफियाओं के खिलाफ जंग छेड़ दी। अब UP पुलिस का शिकंजा मुख्तार गैंग पर कसता जा रहा है। पूर्वांचल से लखनऊ तक मुख्तार से जुड़े लोगों पर पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। मऊ पुलिस ने अब मुख्तार के करीबी 12 अपराधियों को जिला बदर किया है। इन अपराधियों में मुख्तार का शार्प शूटर अनुज कनौजिया, सभासद अल्तमश, अनीश, मोहर सिंह, जुल्फिकर कुरैशी, तारिक, मोहम्मद सलमान, आमिर हमजा, मोहम्मद तलहा, जावेद आरजू, मोहम्मद हाशिम और राशिद शामिल हैं। मऊ के SP ने बताया कि अगले 6 महीने के लिए इन्हें जिला बदर किया गया है। मऊ SP ने बताया कि इन सभी अपराधियों के शस्त्र लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं और अन्य कार्रवाई भी की जा रही है। आज गुरुवार को LDA ने माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए लखनऊ के डालीबाग में बने मुख्तार अंसारी के बेटों की 2 इमारतों को जमींदोज कर दिया। मौके पर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास व उमर अंसारी के टावर पर झड़प भी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ कर भगाया। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के बेटों पर शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर 2 मंजिला इमारत बना ली थी। LDA संयुक्त सचिव ऋतु सुहास ने 11 अगस्त को बिल्डिंग गिराने का आदेश जारी किया था। गुरुवार सुबह कार्रवाई शुरू हुई। इसके लिए LDA और पुलिस प्रशासन समेत 250 से अधिक पुलिसकर्मी और 20 से अधिक JCB लगी रही। LDA ने कुछ ही देर में बुलडोजर चलवाकर माफिया की इमारत को ध्वस्त किया। ऐसा लगता है कि अब बदमाशों का राज खत्म होने वाला है, क्योंकि सरकार लगातार माफियाओं पर अपना शिकंजा कस रही है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।